हाँ जी बेटा, आज असी करन जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 10th वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर वेक्टर की होंदा वा एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, जिदा मैग्नीट्यूड भी होवे और डायरेक्शन भी होवे उन्हों से कहने हैं वैक्टर। नेक्स्ट हैगा बेटा, जिस तरह हूँ ऐ वै कोई वैक्टर है ए बी, अगर ए डायरेक्शन होगी आ मान लो हैगा 5 सेंटीमीटर, यदा मतलब 5 सेंटीमीटर ए टू बी वालों जा रहे हैं, यदि डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, यदा मतलब यदि मैग्नीट्यूड भी हैगा 5 सेंटीमीटर और डायरेक्शन भी होगी, तो यदा मतलब है कि बन गया ए बी वैक्टर। नेक्स्ट हैगा बेटा टाइप्स ऑफ वैक्टर्स। टाइप्स ऑफ वैक्टर्स पहला हैगा जीरो वैक्टर। जीरो वैक्टर मतलब सीधा ही है कि जिदा मैग्नीट्यूड जीरो होएगा, जिस तरह आप ले लिए ए ए वैक्टर, यानी कि वो पॉइंट ही हो गया ए टू ए। ठीक है, एनू असी बोलते हैं जीरो वैक्टर, क्योंकि यदा मैग्नीट्यूड कितना होएगा जीरो। दूसरा है यूनिट वैक्टर जिदा मैग्नीट्यूड कितना होएगा वन। असी कोई वैक्टर ले रहे हैं ए बी या वैक्टर ए, अगर यदा मैग्नीट्यूड 1 दे बराबर है तो यदा मतलब ये हो गया यूनिट वैक्टर। एनु असी लिखते हैं वैक्टर ए इज इक्वल टू 1, एनु अपा वैक इस तरह एस फॉर्म च लिखते हैं, अगर जिदा मैग्नीट्यूड 1 है तो वो ए कैप, एनु बोलते हैं असी ए कैप। तीसरा हैगा बेटा को इनिशियल वैक्टर। को इनिशियल वैक्टर हूँ ये नाम तो ही क्लीयर है, को इनिशियल जोड़े इको पॉइंट तो स्टार्ट होंगे उन्होंने असं बोलते हैं को इनिशियल। जिस तरह हैगा ओ आ हो गया हम तेरे को ए वैक्टर, इतों एक होर निकल गया बी वैक्टर, आप ए हो गया पॉइंट बी हो गया, इन आप बोलते हैं को इनिशियल वैक्टर। ओ तो एक होर वैक्टर निकलिया सी, यहाँ मतलब ए बी सी जोड़े वह गए हैं ए बी सी वैक्टर, ए वैक्टर बी वैक्टर सी आर को इनिशियल, एक ही हो गए को इनिशियल वैक्टर, को इनिशियल वैक्टर हो गए। नेक्स्ट है बेटा कोलिनियर वैक्टर्स। कोलिनियर वैक्टर्स कोलिनियर वैक्टर्स यानी कि जोड़े इको लाइन के होंगे है, ये पैरल भी अपना लै सकते हैं। कोलिनियर वैक्टर्स इफ दे आर या तो इको वैक्टर दे लाई करन, दे लाई ऑन द सेम वैक्टर और पैरल टू द वैक्टर, जिस तरह हूँ आप लै रहे हैं ए बी वैक्टर। तो ऐसे तो आप अगे चले गए, आ पहले ए वैक्टर सी, इतने आ गया थोड़ा कोई बी वैक्टर आ गया, हूँ ये पैरल असी कोई वैक्टर लिया, ये हो गया वैक्टर सी आ गया, तो इन असी बोलते हैं कोलिनियर, इको लाइन दे मतलब अकॉर्डिंगली वैक्टर चलते पे हैं, तो इन्हों असी बोलते हैं कोलिनियर वैक्टर्स। चाहे इन्हों का मैगनीट्यूड सेम ना भी हो, पर इन्हों की जी डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, उन्होंने असी बोलते हैं कोलिनियर वैक्टर्स। नैक्सट है बेटा इक्ुअल वैक्टर्स। इक्ुअल वैक्टर्स इक्ुअल वैक्टर्स नाम तो ही क्लीयर है कि इन्हों का जो मैग्नीट्यूड जड़ा वो सेम होएगा, उन्होंने असी बोलेंगे
कोलीनियर वैक्टर और इन्हों की नाली डायरेक्शन भी जड़ी है वो सेम होएगी। इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, जिस तरह वैक्टर ए मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी, एक तरह का मैग्नीट्यूड भी बराबर होएगा एज वैल एज डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन भी सेम होएगी तो मतलब होएगा वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी, ए तो वी वैक्टर दोनों की हो जाएंगे बराबर। नैक्सट हैगा नैगेटिव ऑफ ए वैक्टर, नैगेटिव नैगेटिव ऑफ ए वैक्टर, उन्होंने नाम तो ही क्लीयर है कि नैगेटिव असी यह ले लिया मान लो ए बी वैक्टर है, ए बी वैक्टर है ठीक है ए टू बी, अगर यदि डायरेक्शन उल्ट जाए यानी कि आप बी टू सी चल रही है बी टू ए चल रही है तो यह डायरेक्शन चेंज हो गई पर यह बन गया बी टू ए, ए हो गया वैक्टर ए तो यह मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा फिर माइनस ऑफ वैक्टर ए, क्योंकि हूँ बी डायरेक्शन यदि चेंज होगी बी टू ए वालू चला गया, पहले ए टू किधर नू सीगा बी वालू से, इहदा मतलब बी ए वैक्टर इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ ए बी वैक्टर। नैक्सट है बेटा पोजिशन वैक्टर, जरा सी बार बार यूज़ करना अगे पोजिशन वैक्टर, कोई भी वैक्टर जड़ा सी अगर उन्हों ओ ओरिजिनल रेफरेंस कर दिए उहदा तो वह बन जाता पोजिशन वैक्टर। आ मान लो है कोई ए बी वैक्टर है ठीक है, आप अगर ये पैरेलल लाइन बना दिए ए पैरेलल है जिन्ना एंगल यदा होएगा उन्ना ही एंगल यदा एक्स एक्सिस नाल होएगा तो यह जड़ा बन जाएगा तुहाडा ओ पी वैक्टर, यह बन जाएगा पोजिशन वैक्टर जड़ा यानी कि इनू अगर अभी भी रेफरेंस टू ओ लै लीए ओरिजन तो लै लीए ओ हो गया ओरिजन तो यह बन जाएगा तुहाडा पोजिशन वैक्टर। या इस तरह सिंपल वे ना करना तो वह हो गया कि जिस तरह आप कोई वैक्टर ले वैक्टर ए वैक्टर बी एंड ए हो गया वैक्टर सी ठीक है, तो इन अगर इन तिना ओरिजन के नाल ओरिजन तो स्टार्ट कर दिए इन्हों तो वह बन जाएगा विद रेफरेंस टू ओ ले लिए या इस तरह कर लो जिस तरह ए वै हूँ ये पैरल पैरल डायरेक्शन से बनावे ए बन गया ए वैक्टर ठीक है, बी वैक्टर इधर नू जा रहा था मतलब इनू नीचे नू आ जाएगा इस तरह आ जाएगा ए हो जाएगा तुहाडा बी वैक्टर तो ये पैरल बनाओ ए हूँ इस तरह वै ए वैक्टर इस तरह आ जाएगा ए हो जाएगा सी वैक्टर, तो इन्हों असी बोलते हैं पोजिशन वैक्टरस। यह हूँ तुहाडे जिहड़े बन गए ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर ओ सी वैक्टर विद रेफरेंस टू ओरिजन ओ, इनू असी की कहांगे पोजिशन वैक्टर। बेटा एडिशन ऑफ वैक्टर जो असी लै रहे हैं एडिशन ऑफ वैक्टरस, एडिशन ऑफ वैक्टरस दे विच कि दो वैक्टरस नू आपां ऐड करना है तो वह किस तरह ऐड करना है, असी दो वैक्टर ले ले आ हो गया ओ ए वैक्टर ए पॉइंट हो गया ए तो अगे वैक्टर बी ए मान लो बी बी पॉइंट हो गया, तो अगर एडिशन लैनी तो आप करांगे कंप्लीट दा ट्रायंगल ट्रायंगल नू असी कंप्लीट करता ठीक है, तो असी ओ सी वैक्टर जड़ा सी सॉरी ओ बी वैक्टर फाइंड आउट करांगे कि कितना आया। लैट वैक्टर ए एंड वैक्टर बी बी टू वैक्टरस, ए दो वैक्टरस है गया एंड असी सपोज की किता होर एंड ओ ए वैक्टर असी ले लिया कि ए वैक्टर के बराबर है ए बी वैक्टर जड़ा है वह
बी वैक्टर के बराबर है। कंप्लीट ट्रैंगल, कंप्लीट ट्रैंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्रैंगल जी असी कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। कोई व्यक्ति ओ तो ए वल नू गया, फिर ए तो बी वल नू गया, तो जिन्ना ए दियाँ पोजिशनस हो गई वो सीधा डायरैक्ट भी ओ तो बी वल नू जा सकता सी, ठीक है। बजाए कि ओ टू ए जाता, फिर ए टू बी जाता, या जिस तरह कह लो कि उस तरह सीधा भी ओ टू बी जा सकता सी। तो वो वास्ते असी की करांगे, हुण ए ट्रैंगल असी कंप्लीट करती, इनू लैन का की तरीका वै, जो भी असी एडिशन करनी है वैक्टर्स की, तो यह ध्यान रखना कि इको डायरैक्शन वाल वैक्टर्स होने चाहिए। यदा मतलब ओ बी वैक्टर जरा वो कि बराबर आएगा, हूँ वो चैक करांगे। ओ बी वैक्टर जड़ा है दैट इज़ इक्वल टू, ओ बी वैक्टर देखो असी इस तरह की बजाय इस तरह भी लिख सकते ना, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर सेम पोजिशन पर पहुँचेगा, चाहे ओ टू ए, ए टू बी जाए, चाहे ओ टू बी जाए। यदा मतलब ओ बी वैक्टर असं लिख सकते हैं ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर, यानी हूँ तुहाडा ओ बी वैक्टर कि बराबर आ गया, वो आ गया वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, यह बन गया तुहाडा ट्रैंगल ला वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, इनू असं कहते हैं ट्रैंगल ला ऑफ एडिशन ऑफ वैक्टर्स। वैक्टर ओ बी की हो गया एक तरह का, वैक्टर ओ बी ऑलसो, ओ बी वैक्टर इज रिजल्टेंट वैक्टर, इज रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी। याद रखना जो तो रिजल्टेंट निकालना तो दोनों वैक्टर्स में की कर दीता, ऐड कर दीता, ओ बी वैक्टर की बन गया रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी। नेक्स्ट है बेटा एडिशन ऑफ वैक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडिशन ऑफ वैक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ वैक्टर्स बाय पैरेललोग्राम, एडिशन ऑफ वैक्टर्स उन करना बाय पैरेललोग्राम लॉ। एक ये आएगा इफ टू वैक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, आप एडजेसेंट साइड्स ले लिया ओ ए ले लिया आप वैक्टर ए, ए हो गया वैक्टर बी, ओ बी ले लिया सी वैक्टर बी, ठीक है। लेट वैक्टर ए एंड वैक्टर बी बी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये दो साइड्स ले लिया, हूँ असी की किया कंप्लीट करता पैरेललोग्राम। इनू कंप्लीट करिए, ये पैरल लाइन लगाई, एक लाइन ये पैरल लगाई, ठीक है। यह बन गया, यह मान लो असी ले लिया सी पॉइंट, मतलब एक तो हो गया ना ए बी वैक्टर असी निकालिया वा कि निकालिया आप ट्रैंगल लाना, हूँ एडिशन ऑफ वैक्टर असी कर लगे हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो करना बेटा असी ओ तो ले ले दोनों वैक्टर ओ पॉइंट तो लेते वैक्टर ए ते वैक्टर बी, हुण इन्हां दा रिजल्टेंट वैक्टर की निकलेगा वो देखांगे आपां। आपां की कीता ज्वाइन करती, ज्वाइन ओ सी डायगनल, ओ सी की हैगी है डायगनल, इहनूं ज्वाइन करता ते ओ की बन गई ट्रैंगल बन गई। हुण आपां ले लिया इन ट्रैंगल ओ ए सी, इस ट्रैंगल दे विच
हो गया ओ ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ठीक है ना। अगर ओ ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर जड़ा है कि बराबर रहेगा ओ सी वैक्टर के। हूँ ओ ए वैक्टर जड़ा है ए तो हो गया थोड़ा वैक्टर ए, ए सी वैक्टर दैट इज़ इक्वल टू वैक्टर बी। क्यों? बिकॉज ए सी वैक्टर जड़ा वै वो की है दिस इज़ इक्वल टू वैक्टर ओ बी, क्योंकि वैक्टर ओ बी दे पैरल भी होएगा तो यदा मैगनीच्यूड भी की होएगा बराबर होएगा, एंड मैगनीच्यूड ऑफ ए सी वैक्टर इज इक्वल टू मैगनीच्यूड ऑफ इक्वल वैक्टर हो गए ना ये दोनों, ये दोनों हो गए इक्वल वैक्टर्स, इस करके इन्हों की डायरेक्शन भी सेम है तो इन्हों की लेंथ भी की होएगी सेम होएगी। तो ए ओ बी वैक्टर कि बराबर है वैक्टर बी दे, इस करके ए सी वैक्टर भी कि बराबर आ गया वैक्टर बी दे। इतों तुहाडे को निकल आया ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। यही तुहाडा की बन गया सी ट्रैंगुलर ला बन ट्रैंग, मतलब फिर ट्रैंगल कंप्लीट करनी पई सानू, ट्रैंगल के थ्रू ही यह निकल आया तुहाडे को ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। हुण यह कि बराबर है ये हैगा वा तुहाडा ओ सी वैक्टर, यदा मतलब दोनों ला आइडेंटिकल हो गए चाहे इन क्योंकि ट्रैंगल ला तो सू यूज़ करना ही पाया बच्चे से। नैक्सट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वैक्टर एडिशन, वैक्टर एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव, वैक्टर एडिशन, वैक्टर एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव, वैक्टर एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव, वैक्टर एडिशन बेटा कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव की होंगे, कॉम्यूटेटिव का मतलब कि वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी जरा अं प्रूव करा वैक्टर बी प्लस वैक्टर ए दे बराबर है या नहीं है, ठीक है। अगर बराबर है तो इन्हों की कहोंगे कि कॉम्यूटेटिव ला जरा अप्लाई हो रहा है। हाँ जी, लेट वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर टू वैक्टर्स, बी लिखो बी बी टू वैक्टर्स फ्रॉम द ओरिजन ओ, ओरिजन ओ तो स्टार्ट किया आप, ये उस तरह ही फिर आ गया बेटे, फिर ट्रैंगल ला कंप्लीट होनी है दी वैक्टर ए ते अपा ले लिया एक वैक्टर बी, ओ ए ते बी, ओ सी वैक्टर सानू पता वै कि ओ सी वैक्टर कि बराबर होएगा ओ ए वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर, इन मतलब अस कंप्लीट करिए पहले कंप्लीट द पैरलोग्राम, जो असी कंप्लीट कर ली ए बन गया एदा नाम रखता आप सी, इन ट्रैंगल ओ ए सी दे विच की हो गया ओ ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ सी वैक्टर, यानी कि वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी इज इक्वल टू आ गया ओ सी वैक्टर के बराबर आ गया, ठीक है ना। ऑल्सो ऑल्सो इन ट्रैंगल, हूँ आप दूसरी ट्रैंगल लें इन ट्रैंगल ओ बी सी, ओ बी सी, हूँ ओ बी सी ट्रैंगल लई पहले आप ओ ए सी लई सी हूँ लई आप ओ बी सी, ओ बी सी ट्रैंगल दे विच बेटा की होएगा ओ बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, यह तड़ा बन जाएगा ओ सी वैक्टर के बराबर, ठीक है ना। आप हमेशा की याद रखना है कि जेडे आप ऐड कर रहे हैं वह सेम डायरेक्शन के है तो ओपोजिट डायरेक्शन के बच्चे इन्हों का रिजल्टेंट होएगा। ओ बी वैक्टर कि बराबर है वैक्टर बी दे, बी सी वैक्टर वैक्टर ए दे,
क्योंकि असी पैरलोग्राम ड्रॉ की है, पैरलोग्राम के साइड्स हमेशा इक्वल तो डायरेक्शन इन की होगी बी सी की डायरेक्शन ओ ए की डायरेक्शन सेम होगी ना, इन्हों की डायरेक्शन की होगी सेम, दैट इज़ इक्वल टू ओ सी वैक्टर। हूँ ले लो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, क्योंकि ये भी ओ सी वैक्टर, ये भी ओ सी वैक्टर, राइट हैंड साइड बराबर है ना, मतलब लैफ्ट हैंड साइड भी बराबर होएगी, देयर फोर वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी इज इक्वल टू वैक्टर बी प्लस वैक्टर ए, ये दोनों की हो जाएंगे बराबर। एक थोड़ा मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ जड़ा वै वह प्रूव हो गया। वैक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वैक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव तो याद रखो कि हमेशा आपा किन्ने वैक्टर लेने, तीन वैक्टर लेने हैं। एसोसिएटिव लॉज असी की प्रूव करांगे कि वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी इज इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी, यह होंगे थोड़ा एसोसिएटिव लॉ। ये हमेशा तीन वैक्टर यूज होंगे, एसोसिएटिव लॉ ली हमेशा तीन नंबरस ही प्रूव करते हैं आपां। इहदा मतलब कि पहले ए ते बी नूं ऐड कर लिया बाद सी ऐड करिए, या पहले ए वैक्टर दे विच बी ते सी नूं पहले ऐड करके फिर वैक्टर ए ऐड करिए विच, ते ओह दोनों की होएगी एडिशन की हो जाएगी सेम हो जाएगी। लेट वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी बी थ्री वैक्टर्स, थ्री वैक्टर्स सच दैट पोजिशन वैक्टर ले लिए अपना ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर ए। हूँ इन्हों तो अगे अगे चलना आप, ठीक है ना, यह याद रखना इको डायरेक्शन लैने आप ले लिया, मान लो बलियां बना लो ओ ए वैक्टर ए हो गया ए, ए पॉइंट हो गया। हूँ इस तो अगे चलना आप, ठीक है, इस तो अगे गए दैट इज़ इक्वल टू वैक्टर बी आ गया, वैक्टर बी हूँ बी ए आ गया बी पॉइंट, बी तो अगे गए ए हो गया वैक्टर सी, तो यह बन गया बेटा तुहाडा सी पॉइंट, सी पॉइंट इहदा मतलब असीं लैणे भी इस तरीके ना ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ए, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर बी एंड बी सी वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर सी, असी जॉइन करता ओ सी नू क्योंकि रिजल्टेंट वैक्टर तिना का ही बनेगा ओ सी वैक्टर, जॉइन ओ सी नू असी करता जॉइन। हाँ जी, जिहड़ी चीज़ असी प्रूफ करनी है लैफ्ट हैंड साइड, हुण उस देखो ध्यान ना, असी प्रूफ करना है वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी, ए ते बी वैक्टर जिहड़े ब्रैकेट च आया, इहदा मतलब पहले असी प्रूफ करिए वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, वैक्टर ए प्लस बी वास्ते की लवेंगे, वैक्टर ए प्लस बी, वैक्टर ए प्लस बी वास्ते लवेंगे असी कड़ी ट्रायंगल लाँगे ओ ए बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी दे विच की आ गया ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर, ठीक है, ओ बी वैक्टर जिहड़ा तुहाडा बेटा वह बन गया ओ ए वैक्टर, किन्ना हो गया ए वैक्टर, ए बी वैक्टर किन्ना है बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर आ गया तुहाडा ओ बी वैक्टर। हुण नैक्सट असी प्रूफ तैयार करना ना ए प्लस बी प्लस सी, यानी आ तुहाडा बन गया वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, हूँ वैक्टर ए प्लस बी जो वैक्टर सी ऐड करांगे तो यह मतलब नैचुरली यह लाइन नज़र आ रही सानू कि हूँ ट्रायंगल कड़ी लवेंगे, नाओ इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी ट्रायंगल ली ओ बी सी, ये हूँ रिजल्टेंट कि बनेगा ओ सी वैक्टर बनेगा, ओ सी वैक्टर तड़की के बराबर आ गया, यह आ गया ओ बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ओ बी वैक्टर जड़ा है वह है वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, तो बी सी वैक्टर है वैक्टर सी, यह तड़ा बन गई लैफ्ट हैंड साइड तड़ी आ चुकी है वैक्टर ए प्लस बी प्लस वैक्टर सी, इन रख लोंगे इक्वेशन नंबर वन, यह आ गई तड़ी इक्वेशन नंबर वन। हूँ आप प्रूव करना बेटा राइट हैंड साइड वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी, यह मतलब हूँ पहले वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी निकालिए, हूँ वैक्टर बी तो ए वैक्टर सी है,
इन्हों दोनों का रिजल्टेंट की बनेगा ए सी वैक्टर। ए मतलब ए सी नू पहले की करांगे ज्वाइन करांगे, ए ते सी वैक्टर नू ज्वाइन कर दो। हुण कड़ी ट्रैंगल लवांगे, इन ट्रैंगल ए बी सी, इन ट्रैंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रैंगल के अकॉर्डिंग की बन गया बेटे, रिजल्टेंट है तुहाडा ए सी वैक्टर, दैट इज़ इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ए सी वैक्टर तुहाडे को आ गया, ए बी वैक्टर किदे बराबर है, ए बी वैक्टर है वैक्टर बी दे, बी सी वैक्टर है वैक्टर सी दे। ए सी वैक्टर आ गया वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी। आपा वैक्टर बी प्लस सी दे नाल की लैना वैक्टर ए। हुण वैक्टर ए, हाँ जी बेटा, इन ट्रैंगल ए बी सी जैसी लै रहे सी, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ए सी वैक्टर तुहाडे को आ गया वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी। असी प्रूव करना है कि जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है वह है वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी। हुण यह तुहाडा बन चुका वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी, ठीक है। और असी लैना वैक्टर ए, वैक्टर ए तुहाडा ए ओ ए, ए सी जी थी वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी है, मतलब ट्रैंगल लवेंगे सी ओ ए सी। इन ट्रैंगल ए ओ सी दे विच हुण ओ सी वैक्टर हो गया तुहाडा रिजल्टेंट वैक्टर, ठीक है। यह जो तुहाडा है ओ सी वैक्टर यह बन गया रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ ओ ए प्लस ए सी। इहदा मतलब ओ सी वैक्टर किहदे बराबर आ गया ओ ए प्लस ए सी। ए आपां लिखता ओ ए प्लस ए सी आ गया ओ सी वैक्टर। हुण ओ ए वैक्टर जिहड़ा है वह ए वैक्टर के बराबर है, ए सी वैक्टर आपां उपर प्रूव कर चुके हैं वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी दे बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तुहाडे को आ गई लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी इन्हों पहले ऐड किया फिर बाद ऐड किया प्लस वैक्टर सी, या फिर पहले बी प्लस वैक्टर सी ऐड करके वो वैक्टर ए ऐड करता तो यह बन गई राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया तुहाडा एसोसिएटिव लॉ। हुण नैक्सट हैगा बेटा द पोजिशन वैक्टरस ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी आर वैक्टर ए वैक्टर बी टू ए वैक्टर प्लस थ्री बी वैक्टर एंड वैक्टर ए माइनस वैक्टर वैक्टर ए माइनस टू बी वैक्टर रिस्पैक्टिवली। तो असी प्रूव करना मैं शो दैट ए सी वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर ए प्लस थ्री बी वैक्टर एंड डी बी वैक्टर इज इक्वल टू थ्री बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर दे बराबर है। हुण ए सी वैक्टर ए बेटा सानू दिते हुए पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर मीनस ओ ए वैक्टर, पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए मीनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए मीनस ओ ए वैक्टर, ओ ए वैक्टर दिता होया ए वैक्टर, ठीक है। फिर इस तरह पोजिशन वैक्टर ऑफ बी एनू आप लिखते हैं ओ बी वैक्टर। पोजिशन वैक्टर हमेशा असी ओ तो स्टार्ट करना, ओ बी वैक्टर यह दिता होया वैक्टर बी। पोजिशन वैक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू ओ सी वैक्टर, यह दिता होया वै टू वैक्टर ए प्लस थ्री वैक्टर बी। पोजिशन वैक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू इनू लिखते हैं आप ओ डी वैक्टर, यह दिता होया वैक्टर ए माइनस टू वैक्टर बी। आपां प्रूव करना है ए सी वैक्टर जड़ा है वह वैक्टर ए प्लस थ्री बी वैक्टर के बराबर है। ए सी वैक्टर का मतलब हो गया बेटा पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, यानी लास्ट वाले पॉइंट तो फस्ट वाला पॉइंट असी घटा देना, ठीक है। इनिशियल पॉइंट हो गया, ए टर्मिनल पॉइंट हो गया, ए वाला पॉइंट माइनस कर देंगे, यानी कि यह बन गया ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो ये असी माइनस करांगे तो की आएगा, ओ सी वैक्टर कि बराबर है, ओ सी वैक्टर है टू वैक्टर ए, ए है टू वैक्टर ए प्लस थ्री बी वैक्टर, ये आप निकाल रहे हैं ए सी वैक्टर।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਏ ਸੀ ਵੈਕਟਰ। ਏ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਏ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਓ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਏ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਟੂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਓ ਏ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵੈਕਟਰ ਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਏ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੂ ਏ 'ਚੋਂ ਏ ਮਾਈਨਸ ਗਿਆ ਵੈਕਟਰ ਏ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਡੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਡੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਡੀ। ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਓ ਡੀ ਵੈਕਟਰ। ਓ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ ਓ ਡੀ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਓ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਓ ਥ੍ਰੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਵੈਕਟਰ ਏ। ਬਰੈਕਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਮਾਈਨਸ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਥ੍ਰੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਬੀ 'ਚੋਂ ਥ੍ਰੀ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਵੈਕਟਰ, ਥ੍ਰੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਵੈਕਟਰ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਵੈਕਟਰ, ਸੋਰੀ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਡੀ। ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਓ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਬੀ, ਓ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਏ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੈਕਟਰ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਵੈਕਟਰ ਏ ਪਲੱਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਕਟਰ ਬੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥ੍ਰੀ ਵੈਕਟਰ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਵੈਕਟਰ ਏ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਲੈਟ ਵੈਕਟਰ ਯੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਟੂ ਜੇ ਕੈਪ, ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੈਪ, ਐਂਡ ਡਬਲਿਊ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਜੇ ਕੈਪ। ਫਾਇੰਡ ਸਕੇਲਰਸ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਸੱਚ ਦੈਟ ਡਬਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਯੂ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵੀ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਡਬਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਉ। ਡਬਲਿਊ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਜੇ ਕੈਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ, ਵੈਕਟਰ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਓ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਟੂ ਜੇ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਬੀ ਇੰਟੂ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਓ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੈਪ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਜੇ ਕੈਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਟੂ ਏ ਜੇ ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਬੀ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਬੀ ਜੇ ਕੈਪ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਫੋਰ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਜੇ ਕੈਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਆਈ ਕੈਪ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਏ ਆਈ ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਏ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਬੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕੈਪ ਕੋਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਪਲੱਸ ਟੂ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੈਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਉ ਕੰਪੇਅਰ।
ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किस तरह करनी है अपा, आई कैप ना आई कैप का कोफिशियंट लिखते ना, जे कैप ना जे कैप का कोफिशियंट। लेफ्ट साइड पे देखो आई कैप का कोफिशियंट है 4, इधर आई कैप का कोफिशियंट है a माइनस 2b। ऐसे तरह जे कैप का कोफिशियंट है 3, इधर जे कैप का कोफिशियंट है 2a प्लस बी। इधर देखो दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। हूँ इन्ह दोनों सॉल्व करना जिस तरह तुम 10th से क्वेश्चन करते हूँ, इनू 2 ना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर इनू 2 ना मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या इनू 2 ना मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो। ये हूँ थोड़े ते है किस तरह करना है। असी किता मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, ठीक है, 2 दे नाल सी मल्टीप्लाई करता इक्वेशन 1 नू, 4 दूनी 8 आ गया 2a माइनस 4b, ये तुहाडी थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। हुण सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों नू सबट्रैक्ट करता। हुण सेकेंड इक्वेशन जिहड़ी तुहाडी है वो है 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, तो थर्ड हैगी है एवल इक्वेशन 8 इज इक्वल टू 2a माइनस 4b। हूँ आप पहले थर्ड वाली लिख ली, एचो सेकेंड वाली माइनस करांगे 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, ठीक है। जो उन्होंने सबट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, 8 3 गए 5, 2a ना 2a कैंसल हो गया, माइनस 5b, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/-5 = b, इट इंप्लाइज b = -1, बी की वैल्यू आ गई -1, एन पुट कर दो, पुट b = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करो, सेकंड थर्ड जिस मर्जी पुट करो, ये आ गई 4 = a - 2, बी की वैल्यू लगाओ -1, 4 = a - - कैंसल +2, 4 - 2 = a, ए दी वैल्यू आ गई 2, a = 2 आंसर, a = 2 की आ गया आंसर आ गया, ए ते बी दोनों दी वैल्यूज आ गई। बेटा सारे क्वेश्चन जड़े इस तरीके दे किते हुए हैं, इस तरीके दे नाल वाले क्वेश्चन जड़े है वो सारे कर लेना, कि एडिशन किस तरह करनी है अपा, ठीक है।